दोस्तों, ये कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को सुन के आप इसको महसूस भी कर सकते हो, यानी इस कहानी का सबूत आज भी जिंदा है। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस कहानी का सबूत जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना होगा। ये कहानी है एक डकैत की। इस डकैत का नाम था मल्ला, जो बेंगलोर में स्थित मैसूर जिले के नंजनगढ़ जंगलों में रहता था। ये डकैत बेहद अजूबोगरीब था। पेशे से भले ही ये डकैत था, पर इसके डकैती के पीछे की कहानी सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मल्ला भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो महादेव और माता पार्वती को बहुत मानता था। जब वो अपनी डकैती में व्यस्त नहीं होता तो वह महादेव की भक्ति में लीन रहता था। उस जंगल से गुजरते हुए हर एक इंसान को मल्ला लूटा करता था। उनके गहने, जेवर, पैसे सब लूट लेता। लोगों में मल्ला का बहुत खौफ था। वो उसको गाली दिया करते थे। पर दोस्तों, मल्ला अपनी सारी लूट की कमाई से महाशिवरात्रि पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजन करता था। दोस्तों, मल्ला लूट के पैसों से अपने लिए बहुत ही कम पैसे इस्तेमाल करता था। वह अपनी कमाई हुई सारी अमानत महाशिवरात्रि के मेले पर ऐसे चार चांद लगाता था कि लोग देखते ही रह जाते थे। जब लोगों ने यह देखा कि उनके पैसे लूट के मल्ला महाशिवरात्रि पर इसका पुण्य काम कर रहा है, तो मल्ला की छवि सभी लोगों के दिमाग में बदलने लगी। वो मल्ला को एक बहुत बड़ा भक्त मानने लगे। अब सभी लोग भी इस पुण्य काम से जुड़ना चाहते थे, तो अब वो खुद मल्ला के पास आने लगे और उसको अपने पैसे देने लगे। जब मल्ला ने देखा कि लोगों को भी उसका महाशिवरात्रि का आयोजित मेला पसंद आ रहा है, तो उसने और खौफनाक तरीके से डकैती बढ़ा दी और कमाए हुए पैसों से शिव मंदिर को बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। मल्ला जंगल में ही पला बड़ा था। उसको कोई ज्ञान नहीं था कि वो जो कर रहा है वो कितना गलत है। उस जंगल से एक दफा दो ऋषि मुनि गुजर रहे थे, जिनको मल्ला के बारे में पता लगा। जब उनको पता लगा कि वो अपनी डकैत की कमाई से महादेव के लिए इतने पुण्य के काम कर रहा है, तो उनको भी सुनकर बहुत अजीब लगा कि आखिर एक डकैत ऐसा क्यों कर सकता है। उन्होंने मल्ला से मिलने का फैसला किया। जब वो उससे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मल्ला उनके सामने सामने ही किसी को लूट रहा है। उन्होंने तुरंत उसे रोका। उन ऋषियों ने मल्ला को एक तरफ ले जाके समझाया कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तो मल्ला ने सीधा सीधा जवाब दिया, मैं ये सब महादेव के लिए कर रहा हूँ। तब उन ऋषियों ने बोला कि पर तुम्हारा तरीका गलत है, तुम इंसानों को हानि पहुंचाते हो। मल्ला ने दोहराते हुए कहा, पर ये सब महादेव के लिए है, इसमें आखिर गलत क्या है। यह सुनकर उन ऋषियों ने मल्ला को ध्यान में बैठना सिखाया। कुछ दिनों में मल्ला में बदलाव आने लगा। वो समझ गया कि महादेव से और भी करीब होने के लिए उसको सभी तरीके के मोह माया को छोड़ना होगा, उनसे दूर रहना होगा, और अपने दिल और दिमाग में अगर वो महादेव की भक्ति की लौ जगा देगा तो उसे अवश्य ही महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान शिव उसे जरूर दर्शन देंगे। मल्ला उन ऋषियों की बात से अब सहमत था। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए उसको किसी को लूटना जरूरी नहीं था। मल्ला जब से इन ऋषियों के साथ ध्यान में बैठा था, उसके 1.5 साल बाद उसको महासमाधि प्राप्त हुई। उसी दिन उन दोनों ऋषियों ने भी अपने शरीर को त्याग के समाधि ग्रहण की, जो जगह कल्याण मुलाई नाम से जानी जाती थी, जिसका मतलब होता है चोर का ठिकाना। आज वो जगह मल्लान मुलाई के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है भक्ति का केंद्र। और आज भी अगर वहां आप जाएंगे तो आपको 3 सुंदर समाधि दिखेंगी। दोस्तों, अगर आज भी उस जगह मल्ला के द्वारा आयोजित करने जाने वाले महाशिवरात्रि के मेले की रस्म सक्रिय है और हर शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि के दिन जोर शोर से मनाई जाती है, कहा जाता है कि यहाँ मल्ला आज भी रात को आते हैं। दोस्तों, आपको एक खास कहानी, ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।